दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों छक्का छक्का छक्का, गुस्से में उतरे ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को दो डाला। दोहरा शतक अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से एक बार फिर मचाया है तांडव। पिछले वनडे में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए इस बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज की धरती पर मचा दी तबाही। दूसरे मुकाबले में तूफानी शतक जड़कर ईशान किशन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 12 आग उगलते हुए छक्के लगाए। ईशान किशन ने विध्वंसक शतक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान किशन, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ईशान किशन भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिनका करियर अब तक उतार चढ़ाव भरा रहा है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने के बावजूद ये खिलाड़ी टीम में अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर पाया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्हें चुनिंदा मौके मिले, लेकिन जब पहले वनडे में रोहित ने उन्हें मौका दिया तो इस बल्लेबाज ने अकेले अर्धशतक जड़ा, तो वहीं अब दूसरे वनडे में भी उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए वो करिश्मा किया जिसे देखकर तो धोनी और पंत भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बार भी ईशान किशन भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे। पिछले मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस बल्लेबाज ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को एक एक कर धोना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आड़े हाथों लिया वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज डोमिनिक केड्रेक्स को। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए ड्रेक्स की तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके लगाते हुए ईशान किशन ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने पहले ही ओवर में ऐलान कर दिया था कि आज वो किस मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ही ओवर में तीन चौकों के साथ ईशान किशन ने कुल 15 रन बना लिए थे। ये तो शुरुआत थी, इसके बाद अभी और भी तबाही बाकी थी। दोस्तों वेस्टइंडीज के बेहतर गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड को ईशान किशन ने आड़े हाथों लिया और उनकी चार गेंदों पर चार छक्के लगा दिए। जी हां दोस्तों, एक नहीं दो नहीं चार छक्के लगाकर उन्होंने युवराज सिंह की याद दिला दी। जिस तरीके से ईशान किशन खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर डगआउट में बैठे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ भी बेहद खुश और आश्चर्यचकित नजर आ रहे थे कि आज ईशान किशन इतनी खतरनाक मूड में कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। किशन ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया गया। उनका यह छक्का 100 मीटर के पार था। अर्धशतक लगाने के बाद ईशान किशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और उन्हें आउट करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम पूरी एकजुट हो गई थी। कप्तान शाई होप से लेकर सभी गेंदबाज किशन को आउट करने के लिए रणनीतियां बना रहे थे, पर इधर खौफ अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी का ये उत्तराधिकारी किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं था। देखते देखते ईशान किशन ने 43 गेंदों में ही 94 रन ठोक दिए। किशन की दहशत भरी बल्लेबाजी देखकर वेस्टइंडीज की पूरी टीम के अंदर खौफ पैदा हो गया। घातक गेंदबाज सील्स की एक बाउंसर गेंद पर ईशान किशन ने फाइनल लेग की तरफ ऐसा छक्का लगाया जो सीधे स्टेडियम के पार चला गया और इसी के साथ इस खतरनाक बल्लेबाज ने अपने वनडे इंटरनेशनल में एक और तूफानी शतक ठोक कर ये बता दिया कि वो आगे आने वाले समय के लिए रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए तैयार है। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्कों तो वहीं 4 खतरनाक चौकों से सजाया था जिस पर पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। दोस्तों ईशान किशन ने केवल 44 गेंदों में शतक ठोक दिया। 54 गेंदों की अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने कुल 138 रन बनाए जिसमें उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल 12 छक्के लगाए थे, जिसने केवल वेस्टइंडीज ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। उनके दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद तो भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि ऋषभ पंत की कमी हमें शायद भविष्य में नहीं खलने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ईशान किशन आने वाले समय में ऋषभ पंत की जगह लेने काबिल है या नहीं? क्या आप उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।